मैं तो उन्हें हाथ जोड़ के नमन ही करूंगा कि आज उनके कारण और भगवान श्री राम के कारण आज हमारा मान ऊंचा कि रामनगर मोहल्ला और भगवान श्री राम का नाम आज भी अगर रामायण चलती है तो सन्नाटे छा जाते हैं। आज उनके कारण ये हमारा सौभाग्य कि आप हमारे पास आ रहे हो, हमसे पूछ रहे हो। आज भी उनके रिश्तेदार ये रहते हैं सब। अच्छा, रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, सब रहते हैं। कोई ये घर देख रहे हो, जर्जर हो चुकी है, काफी पुराना हो चुका है और ये गली है और घर पूरा वहाँ तक आगे तक है। श्री राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल जी का घर है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? तो मेरा नाम है विकास, आप देखे मैं विकास कुमार VKR YouTube चैनल को। तो दोस्तों अभी हम हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में और आज हम दिखाने वाले हैं जो हमारे रामायण सागर की रामायण जो थी उसमें प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविंद जी का बचपन का घर, जहाँ वो खेला करते थे, जहाँ से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। ये सब उन्होंने मेरठ में एक छोटी सी कॉलोनी है रामनगर कॉलोनी, वहाँ से सब कुछ किया और मुंबई तक का सफ़र तय किया। तो उनका घर दिखाएंगे कैसी हालत में है, आज कैसा दिखता है उनका घर, और जैसा भी होगा मैं आपको इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मेरी एक यही गुजारिश है आप सभी से कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं उसी जगह पर जहां पर अरुण गोविंद जी का घर है। अगर आप आना चाहते हैं कल में किसी से पूछ लेंगे, रामनगर कॉलोनी, तो वहीं पर रहते थे अरुण गोविंद जी। तो जस्ट हमारे पीछे इधर रास्ता है, अभी वहां चलेंगे हम। पहले आपको यहां से बैक कैमरा का नज़ारा, बैक कैमरे से नज़ारा दिखा देते हैं, क्योंकि अगर आप आ रहे हैं तो आपको आने में पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत लोगों ने वीडियो बनाए और उसमें जगह का नाम नहीं बताया। अगर आप मेरा वीडियो देख के आएंगे तो आप बिल्कुल अरुण गोविल सर जी के, मतलब जो राम भगवान का जिन्होंने किरदार निभाया था, उनके घर तक पहुंच जरूर जाएंगे। पहले यहाँ पे देख सकते हैं मुस्कान हॉस्पिटल, और यहाँ से देहरादून 178 और हरिद्वार 138, और ये है वो कॉलोनी की रास्ता जो जहाँ पे अरुण गोविल सर रहते थे, रामनगर मेरठ पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस। और बगल में देख सकते हैं दोस्तों ये है, और जिस इसी साइड में है, मुझे बताया कि अरुण गोविंद जी का घर इसी गली में है। कहाँ पर है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का घर? ये घर देख रहे हो, यही है हमारे जो रामायण के अंदर जिन्होंने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया था। तो अभी काफ़ी जर्जर हालत में है, और अभी एक भैया से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये वाला घर नहीं है। लेकिन मैं एक बार यहाँ अंकल से पूछता हूँ, अंकल जी ये जो रामायण में श्री राम का जो किरदार निभाए थे अरुण गोविंद जी, उनका घर है क्या ये? नहीं मालूम भैया, रामनगर है ये, पता नहीं किसका। अच्छा, नहीं पता ना, तो अंकल से भी पूछा तो अंकल को भी नहीं पता है। बट मैंने एक बारी सेटिस्फाइड हो लेता हूँ कि ये वही घर है, उन्हीं का घर है। बेसिकली इस घर के देख रहे हो हालत जर्जर हो चुकी है, काफ़ी पुराना हो चुका है, और ये गली है और घर पूरा वहाँ तक आगे तक है। और अभी मैं क्लियर करूंगा कि ये घर वाकई में अरुण गोविंद जी का घर है या नहीं। तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है, काफ़ी जर्जर हालत में बंद पड़ा हुआ है, और अभी आप देख सकते हैं वहाँ तक पूरा आगे तक है, देख सकते हो पूरा आगे तक है, काफ़ी बड़ा घर बना हुआ है, काफ़ी पुराना भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं अब ये घर, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं ये घर नहीं है। अभी मैं यहाँ पे वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगा, किसी पुराने अंकल जो बुज़ुर्ग हैं वो बताएंगे आके। अभी मैंने क्लियर कर लिया है कि यहाँ यही घर है अरुण गोविंद जी का। अभी एक अंकल मिले तो उन्होंने बताया कि यहाँ यही घर है, लेकिन वो बोले कि हम भाई वीडियो में नहीं आएंगे आपके, तो उन्होंने मना कर दिया। बट मैं कोशिश करूँगा किसी भाई या किसी बुज़ुर्ग से पूछने की। तो यही वो घर है, काफ़ी जर्जर हालत में, काफ़ी बड़ा है, देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ आगे तक है, काफ़ी बड़ा घर है, जाली जैसी लगी, लेकिन बना काफ़ी बढ़िया है अभी भी, लेकिन इसकी मरम्मत हो जाए ना तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो यही घर है जिसमें हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी रामायण वाले रहा करते थे। तो आप देख सकते हैं, कोई मिल जाए यार अंदर जाने का परमिशन मिल जाए, या फिर कोई व्यक्ति मिल जाए, उससे पूछने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। मॉर्निंग का समय है और ऊपर आंटी जी उन्होंने बताया कि हाँ यही घर है उनका, और मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटा लिया और विभू करके, आंटी ने बोला कि विभू करके बुलाइए, उन्हीं के रिश्तेदार इसमें रहते हैं। तो मैंने कई बार बुला लिया लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। अभी देख सकते हो यही है घर। हाँ जी आंटी, हम लोग मैं...
वो देखो आंटी भी बुला रही हैं, वहाँ पे खड़ी हैं। आंटी ने बताया कि यही घर है, यहीं पर रहते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई सारा कुछ यहीं से हुआ। अभी उनके रिश्तेदार इस घर पे रहते हैं और यही है वो घर। देखते हैं भाई, आते हैं वो, आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। अंकल जी सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अमित अग्रवाल। अंकल जी का नाम अमित अग्रवाल है। अंकल जी जो ये बगल में जो घर है, ये वाला, ये अरुण गोविल जी के रिश्तेदारों का घर है। और अरुण गोविल जी सामने किराए पे रहते थे। अच्छा, इसी में रहते थे, इसके अंदर सामने वाले मकान में किराए पे रहते थे। अच्छा, अब तो वो टूट गया होगा। हाँ, वो टूट गया, वहाँ काम चल रहा है। काम चल रहा है। अच्छा अंकल ये बताइए, यहाँ आते भी रहते होंगे ना वो? तो हाँ जी, आते हैं। आते हैं ना, साल दो साल में एक दो बार आ जाते, एक बार आ जाते हैं। और अगर हमारे जो अरुण गोविल सर हैं और उन तक ये वीडियो पहुँचता तो आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मैं तो उन्हें हाथ जोड़ के नमन ही करूँगा कि आज उनके कारण और भगवान श्री राम के कारण आज हमारा मान ऊंचा कि रामनगर मोहल्ला और भगवान श्री राम का नाम। सही बात है सर, नाम भी रामनगर मोहल्ला, भगवान श्री राम का नाम, तो हम तो उनके आज भी उनकी तस्वीर घर घर में पूजी जाती है। पूजी जाती है। रामायण मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वो रामायण एक मतलब दर्शाई गई है, नहीं दर्शाई, वो असली रामायण। आज भी अगर रामायण चलती है तो सन्नाटे छा जाते हैं, सन्नाटे छा जाते हैं। जिस समय लॉकडाउन में चली थी तब भी ये हालत ये हो गई थी, हमने हमारा पूरा परिवार जितने होते थे हिंदुओं के सब पूरे लगे रहते थे सबके साथ, तो इसलिए उनके प्रति तो हमारा नमन है। कैसा गर्व होता है, कैसा फील होता है कि हम उनके मोहल्ले के रहने वाले हैं? ये तो कहा ही नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, ये तो हृदय से कह ही नहीं सकते। इसलिए कि ये गर्व की एक बहुत बड़ी अनुभूति है कि इतनी बड़ी एक शख्सियत जो रामनगर में रहती थी और भगवान श्री राम का उन्होंने एक पार्ट अदा किया, और आज उनके कारण ये हमारा सौभाग्य कि आप हमारे पास आ रहे हो, हमसे पूछ रहे हो, तो हम तो क्योंकि हम हरदोई से आए, इतनी दूर से आए कि हमें भी देखना था कि जैसे रामायण शूट हुई थी रामानंद सागर की उधर दमन साइड में शूट हुई, तो हम वहाँ भी गए थे, जो सेट बनाया था वहाँ भी गए, फिर पता चला कि मेरठ में घर है उनका, तो हम इधर भी चले आए। और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे चैनल पे आए। नहीं नहीं, आज भी उनके रिश्तेदार ये रहते हैं सब। अच्छा, रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, सब रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा अगर वो देखेंगे तो उनको हाथ जोड़कर पूरे रामनगर की तरफ से, पूरे मेरठ की तरफ से उन्हें नमन है। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अंकल जी ने बताया कि इस घर में तो उनके रिश्तेदार रहते हैं। अभी देख रहे हो काफ़ी जर्जर हालत में है। देखेंगे तो यहाँ पे एक स्कूटर खड़ा हुआ है, पुराना सा, बहुत पुराने ज़माने का, और गेट पे लिखा हुआ है, देख रहे हो, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। तो यही है वो घर। और यहाँ पे एक ये हमारे यहाँ इसको कनकोहरी बोलते हैं, उसका पेड़ टाइप का है, नींबू जैसे लग रहे थे। तो देख रहे हो काफ़ी जर्जर हालत में हो गया घर। और हमारा ये वीडियो अरुण गोविल सर तक पहुँचा तो एक बार ज़रूर अपने पैतृक घर पे ज़रूर आएँ। और मैं आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करूँगा, जो यहाँ पर विभो नाम के जो रिश्तेदार रहते हैं उनसे भी मैंने कोशिश की है मिलने की। देखते हैं मिल सकते हैं तो मिल सकते हैं, तो भाई मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा है। जो हमारे अरुण गोविल जी थे वो यहाँ पे किराए पे रहते थे, उनका इधर ही किराए पे घर था। वो भी क्या हुआ, एक्चुअली में टूट गया है और यहाँ पे ताला भी लगा हुआ है, तो वो है नहीं यहाँ पे। एक बारी मैं ऐसे करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो आप जो लास्ट में पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे अरुण गोविल जी का वो घर था जहाँ पे वो रहा करते थे, यहीं से उन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी की। और मेरा यही मानना है कि घर में अगर ताला नहीं लगा रहता तो मैं एक बारी अंदर जाता और देख सकते हैं। तो यहाँ पे नया मकान बना दिया गया, यहीं पर अरुण गोविल जी रहते थे और उनके रिश्तेदार अभी यहाँ पे रह रहे हैं। और ये काफ़ी आलीशान महल जैसा लग रहा है पुराने ज़माने का, लेकिन इसको भी बचा के रखा है इस वजह से कि कुछ पुराना मतलब ऐसी इमारतें, ऐसी आर्किटेक्चर आज के ज़माने में आज के जो मिस्त्री हैं वो नहीं बना पाएंगे। तो काफ़ी बेहद ही खूबसूरत बना हुआ है घर। और अभी भी जो हमारे अरुण गोविल सर हैं वो अभी भी यहाँ पे आते रहते हैं मेरठ में, और मौके की बात, और वो कहते हैं ना कि ऐसा मतलब भगवान ने ऐसा उनको वरदान ऐसा दिया था कि उन्हें रामायण में चयनित किया गया, और ऐसा बोलते हैं ना कि ऊपर से प्रभु मतलब श्री राम ने उनको भेजा कि आपको राम का रोल मिलेगा और आप फिर रामनगर में भी रहेंगे। देखो मौके की बात। और उनकी आज भी जो छवि है वो लोग अपने घरों में लगा के पूजा करते हैं, उनको राम के तौर पे देखते हैं। अभी हाल में वीडियो वायरल हुआ था एक, अभी एयरपोर्ट पे जब अरुण गोविंद जी उतरे थे तो उनको राम के रूप में उन्होंने एक माता जी थी उनके चरणों में गिर गई थी। तो हम भी
नमन करेंगे उनको, ऐसी हस्ती को, क्योंकि वो हमारे प्रभु श्री राम से कम नहीं है और उन्होंने ऐसा किरदार निभाया जो सभी के दिलों में उतर जाता है। मर्यादा ही प्रभु श्री राम का दूसरा नाम है। तो हमारे प्रभु श्री राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल जी का घर है। हमारे माध्यम से उन तक ये वीडियो किसी भी प्रकार से कहीं से भी पहुँचता है तो हमारा भी उनके चरणों में नमन है और अभिनंदन है। तो यही है घर, और अगर आप आने की इच्छुक हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको रामनगर कॉलोनी पूछनी रहेगी और जस्ट गली से जैसे ही एंट्री करेंगे, यहाँ पे रेंट पे रहते थे इस जगह पे और यहाँ पे भी रहते थे, ये उनके रिश्तेदारों का घर है, देख सकते हो। दोस्तों मैंने आपको दिखाया हमारे जो प्रभु श्री राम जी का किरदार निभाया था, अब उनको किरदार नहीं, उनको हम सीधे सीधे बोलते हैं, हमारे वो प्रभु श्री राम के बराबर हैं और उनके चरणों में हमारा वंदन अभिनंदन है एक बार फिर से। और अभी हम मेरठ की सरजमी पे हैं और जहाँ पे उन्होंने बचपन बिताया, जहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और फिर बॉलीवुड की तरफ रुख किया, जहाँ पे उन्होंने एक रामानंद सागर की रामायण में किरदार निभाया जो आज भी सुप्रसिद्ध है, उसको ना तो मिटाया जा सकता है ना ही हटाया जा सकता है। और टेम्पो आ गया है, देख सकते हैं पुराने ज़माने का, ये देखो। तो यही है हमारे अरुण गोविल जी का घर। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जय श्री राम एक बार ज़रूर कमेंट में लिखना। किराए पर रहा करते थे, अब उनकी क्या मजबूरी थी मुझे ये नहीं पता, क्योंकि हालात उतने अच्छे नहीं होंगे तभी किराए पर रहना पड़ा होगा उनको। और वो किराए वाला जो घर था वो अभी नया बना दिया कि वो सब टूट गया है। और आपको तो पता ही है कि आज भी वो रामायण लोगों के दिलों में उतर चुकी है। बस यही सब था, हम अभी रामनगर में खड़े हुए थे और ये है घर और इधर बगल में रहते थे रेंट पे। तो इस वीडियो को यहीं पर करेंगे समाप्त, मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ में, तब तक हमारा प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।